नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। त्रिवेंद्रम से उड़े बोइंग विमान की दुबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग, धुएं के बीच निकाले गए 300 पैसेंजर, सभी सुरक्षित। त्रिवेंद्रम में दुबई पहुंचा था विमान। राज्यसभा में जीएसटी संशोधन बिल पेश, जेटली ने बिल को बताया एक दशक में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। तो चिदंबरम बोले 18% से नीचे रखो रेट तभी समर्थन। बीजेपी चीफ बने रहेंगे अमित शाह, गुजरात के एमएलएज ही चुनेंगे आनंदीबेन की जगह नया सीएम, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेगी सीएम आनंदीबेन पटेल। आजम ने बुलंदशहर गैंग रेप में साजिश वाले बयान पर लिया यू टर्न, कहा आरोपियों को पत्थर मार मार कर दी जाए मौत की सजा, पहले बताया था विपक्षियों की राजनीतिक साजिश। और रियो जाएंगे भारतीय पहलवान नरसिंह यादव, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दी मंजूरी, नाडा से डोपिंग प्रकरण से नरसिंह को किया था बरी। आम नागरिकों और सरकार के लिए भी फायदेमंद माना जाने वाला जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे सदन के सामने रखा। जेटली ने जीएसटी को बीते एक दशक का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार करार दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बोलते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस बिल का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार को जीएसटी की दर 18% से नीचे रखने की जरूरत है। जेटली ने बताया कि जीएसटी से भारत एक समान मार्केट में बदल जाएगा। जेटली ने यह भी कहा कि राज्यसभा ने जीएसटी बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा था। उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही उन्होंने सभी पार्टियों का आभार जताते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को शुक्रिया अदा किया। एयर अमीरात के विमान में बुधवार को दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आग लग गई। शुरुआती रिपोर्टरों के मुताबिक अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक एयर अमीरात की फ्लाइट EK521 की दुबई में क्रैश लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग कराते वक्त विमान में आग लग गई। ये विमान त्रिवेंद्रम से दुबई पहुंचा था। फ्लाइट ने त्रिवेंद्रम में सुबह 10:37 पर उड़ान भरी थी और दुबई में 12:45 पर लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ। हादसे के बाद विमान को तुरंत खाली कराया गया। हादसे की वजह से दुबई एयरपोर्ट से जाने वाली सभी उड़ानों में देरी हो रही है। गुवाहाटी में एक बड़ा विमान हादसा होने से बच गया। इंडिगो एयरलाइंस के दो हवाई जहाज टकराते बच गए। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 एयर होस्टेस है। ये टक्कर इंडिगो के गुवाहाटी से चेन्नई जा रहे विमान 6E136 और मुंबई से गुवाहाटी आ रहे विमान 6E813 के बीच होने वाली थी। दोनों विमान में लगभग 300 यात्री सवार थे। फिलहाल दोनों विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई जा चुकी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से निकाल लिया गया है। हालांकि बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सिक्योरिटी और फायर डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है। ETC और एयरपोर्ट अथॉरिटी मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को रोड शो करने गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की वहां तबीयत बिगड़ गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द अच्छा होने की कामना की। मोदी ने ट्वीट किया, आज मैंने सोनिया जी के वाराणसी दौरे में उनकी तबीयत के बारे में सुना। मैं उनके जल्द अच्छा होने की प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सोनिया पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में थी, लेकिन 8 किलोमीटर लंबे रोड शो के बीच में ही वो बीमार पड़ गई और दिल्ली लौट आई। फिलहाल सोनिया गांधी सैनिकों के RR अस्पताल में भर्ती है। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश के चलते नदी उफान पर है। ऐसे में रोज की आवाजाही बंद होने पर लोगों ने उफनती नदी पर एक अस्थायी पुल बना लिया है, जो सड़क के एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ रहा है। लकड़ी की सीढ़ियों के बने पुल पर लोग नदी को अपनी जान पर खेल कर पार कर रहे हैं। अब भले ही इस अस्थायी पुल के जरिए तेज बहती नदी को पार करना बेहद मुश्किल है, लेकिन स्कूली बच्चे इस पुल को पार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अब तक कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे में बड़ी अनहोनी का खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ब्राजील में 5 अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 5 से 21 अगस्त तक होगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बताया कि रियो ओलंपिक 2016 उद्घाटन समारोह का आयोजन शुक्रवार को होगा। बान ओलंपिक मशाल की रिले रेस में हिस्सा लेंगे।
दुजारक ने कहा कि रियो में रहने के दौरान बार्न ओलंपिक शरणार्थी दल से भी मुलाकात करेंगे। रियो ओलंपिक 2016 के बाद यहां 7 से 18 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा। इस साल ओलंपिक खेलों में 10,000 से भी अधिक रिकॉर्ड संख्या में एथलीट हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली बार है कि ओलंपिक खेलों में शरणार्थी दल भी हिस्सा ले रहा है। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट रियो ओलंपिक में एक बार फिर जलवा दिखाने को तैयार है। ओलंपिक में बोल्ट के शामिल होने को लेकर शुरू में संशय था, लेकिन बाद में उन्हें जमैका की टीम में शामिल किया गया है। वो रियो पहुंच चुके हैं। रियो में बोल्ट की नज़र न केवल खिताब बचाने पर बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने पर होगी जो आज तक केवल फिनलैंड के महान धावक पावो नुर्मी के नाम है। दरअसल ओलंपिक खेलों के एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड इसी फिनिश धावक ने पिछले 88 सालों के अपने नाम कर रखा है। नुर्मी के नाम 1920 से लेकर 1928 तक 9 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। रियो में अगर बोल्ट एक बार फिर बीजिंग और लंदन के प्रदर्शन को दोहराते हैं तो बेशक ये बेहद असाधारण प्रदर्शन होगा, क्योंकि बोल्ट 100 और 200 रेस में गोल्ड जीतने की हैट्रिक भी बना देंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।